तुझे सलाम। खेल कबड्डी कहकर पाले में ना घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भग जाओ दुश्मन। माँ जीजा के वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चाहे महर्षियों की जन्मभूमि हो या योगियों की तपोभूमि हो, किंतु जिस राष्ट्र के निवासियों में संगठन का बल नहीं होता, वो संसार के लिए कभी वंदनीय नहीं हो सकता। हजारों वर्षों से हमारे पुरखों ने हमारे समाज का ताना बाना कुछ यूं बुना कि एक राष्ट्र एक संस्कृति। इस विचार से गुंधे हुए हमारे देशवासी जब भी कभी मौका मिला, अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय देने में कभी पीछे नहीं हटे। यही संगठन शक्ति तो भगवान श्री राम द्वारा राम सेतु बनाने में काम आई थी, और इसी संगठन रचना के कारण विश्व विजय करने का स्वप्न देखने वाले अलेक्जेंडर को भारत में पोरस के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। संगठन का यही मंत्र था कि 1971 के भारत पाक युद्ध में हम विजयी हुए। ये वो युद्ध था जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने अपनी महती भूमिका अदा की थी, और यही सांगठनिक शक्ति हमारी विजय का हेतु भी बनी। 17 जुलाई 1943 को लुधियाना पंजाब के एक छोटे से गांव में फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरलोचन सिंह सेखों के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया निर्मल जीत सिंह सेखों। हवा से बात करने का माहौल तो बचपन से ही मिला। जाहिर था कि बड़ा होकर लड़का वायुसेना में ही जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। 4 जून 1967 को उन्हें इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन कर लिया गया। ये युद्ध का दौर था, पहले 62 फिर 65 और अब 71 की लड़ाई। किसी भी देश को अगर एक ही दशक में तीन बड़े युद्धों का सामना करना पड़े तो इसमें परीक्षा उस देश के सामर्थ्य के साथ ही देशवासियों के धैर्य की भी होती है, और देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरना फौज में भर्ती होने वाले हर एक जवान की जिम्मेदारी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों भी इसी जिम्मेदारी से दो चार होने वाले थे, जब द फ्लाइंग बुलेट्स ऑफ IAF कहलाई जाने वाली नंबर 18 स्क्वाड्रन में वो शामिल थे, और श्रीनगर एयरबेस पर फॉलेंट जीनेट फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। 14 दिसंबर 1971 जब श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 26 स्क्वाड्रन के 6 F-86 का हमला हुआ, निर्मल जीत सिंह ऑन ड्यूटी थे जब पहले एयरक्राफ्ट ने हम पर अटैक किया। निर्मल जीत सिंह को हमला होते ही 2 जीनेट फॉर्मेशन में टेक ऑफ करने का ऑर्डर हुआ। इस फॉर्मेशन में पहला टेक ऑफ किया फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुमान ने, जिसके साथ ही रनवे पर सैबर जेट्स का पहला हमला हुआ। बम फटा, धुएं का गुबार था, नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, और उधर फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुमान के टेक ऑफ के कारण उठी डस्ट से मुश्किल और बढ़ चुकी थी। दुश्मन का ये पहला हमला बेकार हो चुका था। वो अपने को रिफॉर्म कर ही रहे थे कि इधर टेक ऑफ करते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुमान का विजुअल संपर्क उनके विंगमैन से टूट गया, और अब फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, जो इस दौरान टेक ऑफ कर चुके थे, ये समझ चुके थे कि अब ये लड़ाई उन्हें अकेले दम ही लड़नी थी। आसमान में मंडराते दुश्मन के 6 साइबर जेट्स, और इन सब के बीच लड़ने वाला हमारा अकेला पंजाबी नौजवान। इट वॉज रियली अ वेरी वेरी टफ बैटल। ये वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों थे जिन्हें युद्धों का पिछला कोई व्यावहारिक अनुभव ही नहीं था, और श्रीनगर की बदन गला देने वाली दिसंबर की सर्दियों में इस ऊंचाई पर, जहां पहले 1948 में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि के चलते कोई एयरक्राफ्ट बेस भी नहीं बनाया जा सकता था जब तक कि युद्ध की स्थितियां पैदा ना हो जाएं, और इसीलिए जब युद्ध हुआ तब सब कुछ अनजाना सा था। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी जो अपने को दृढ़ रख सके, जिसका हौसला किसी भी तरह से कम ना होने पाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जंग में जो जंग जू साबित हो, इधर उधर सब तरफ से दुश्मन भले ही आ जाएं, लेकिन उसे नजर आए तो सिर्फ मंजिल, जीत की मंजिल। और यही सब कुछ तो निर्मल जीत सिंह के साथ भी था। टेक ऑफ करते ही उन्होंने 2 साइबर जेट्स को एंगेज कर लिया। चूंकि सर्दियों का मौसम था, कुहासा छाया हुआ था, ऊपर से 6 साइबर जेट्स का एक साथ होता हुआ हमला। हम सिविलियंस ने 2 एरोप्लेन्स को हवा में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हुए ही देखा है। धरती से कई किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं वो, लेकिन ये लड़ाई तो बस एक बड़े पेड़ जितनी ऊंचाई पर ही लड़ी गई थी।
हवा में बात करते अपने फोलैंड जीनेट फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाते फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों, जिन्होंने बचपन में ही देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले उन छोटे छोटे बच्चों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कहानियां सुनी थी। सुना होगा उन्होंने कि रखो ईटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उन छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी से मिलने वाली प्रेरणा और हिंदुस्तान की थाती का ही यह असर था कि निर्मलजीत सिंह को जब लड़ाई के लिए अनुपयुक्त ऐसे माहौल में अपने बेस पर वापस लौटने के लिए कहा गया तो सरदार ने साफ इनकार कर दिया, अब आ गया हूँ तो दो चार को लपेट कर ही लौटूंगा। ऐसा ही कुछ जज्बा तो उनके मन में भी चल रहा होगा। ये उनका साहस ही तो था जो लगातार कुछ ऐसा करने को बेताब था जिससे वो अपना जीवन सार्थक कर सके। बेस से उन्हें कहा गया वापस आ जाएं, विमान को सीधा रखें, लेकिन शायद फेलियर ऑफ कंट्रोल सिस्टम के चलते वो अपने विमान को सीधा नहीं रख पाए। विमान उल्टा होकर नीचे की तरफ आ रहा था। लास्ट मिनट इजेक्शन के तौर पर उन्होंने अपनी कैनोपी ली और विमान से बाहर की ओर छलांग लगा दी, लेकिन सब कुछ ठीक हो पाता इसमें देर हो चुकी थी। कुछ पलों के लिए उनकी कैनोपी उड़ती हुई दिखाई जरूर दी, लेकिन बाद में वो आंखों से ओझल हो गई। उनके फोलैंड जी नेट फाइटर एयरक्राफ्ट के अवशेष बेस से कुछ मील दूर एक बहुत ही गहरी घाटी में पड़े हुए मिले, जिसे आर्मी और एयरफोर्स की मदद से निकाला गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह के शरीर का तो कुछ पता भी नहीं चल पाया था। यकीनन वो अपनी शहादत देकर इन घनी गहरी वादियों से दूर किसी और दुनिया में उड़ान भर चुके थे, लेकिन इस उड़ान से पहले वो अपना लक्ष्य हासिल कर चुके थे, क्योंकि एक निर्मलजीत सिंह की जबरदस्त दिलेरी को देखकर उन सारे सैबर जेट्स ने बिना कोई और हमले किए हुए अपना रुख अपने पेशावर स्थित बेस की ओर कर लिया था। और अब आसमान साफ था, बादल छट चुके थे, हम श्रीनगर बेस बचा चुके थे। लुधियाना की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में उनकी याद के तौर पर उनका आदमकद स्टेच्यू उस एयरक्राफ्ट के साथ देखा जा सकता है। पंजाब के और भी कई शहरों में उनके स्टेच्यूज बनवाए गए हैं। उनके ऑनर में भारत सरकार के साथ ही भारतीय सेना ने उनके नाम पर एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया है। लेकिन केवल 28 साल की छोटी सी उम्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत देने वाला ये सपूत हमारे सभी देशवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा और कुछ विशेष करने की प्रेरणा देता रहेगा। उनकी इस दिलेरी, फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन और देश के लिए दिए जा सकने वाले सबसे बड़े सैक्रिफाइस के लिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना बड़ा है।